बच्चे मान लो कि मैंने मेरे पास एक यहाँ पे फंक्शन है कि समथिंग बराबर साइन एक्स प्लस सी, यानी यह बराबर साइन एक्स प्लस सी। चलो मानते हैं कि मैंने इसको क्या मान लिया, तो वाई मान लिया, वाई मान लिया। तो बच्चे आप यहाँ खुद देखो, फर्स्ट को ठीक से लिखो वाई, तो यहां मुझे क्या मिल जाएगा, इसको मैंने अगर वाई मानू तो वाई बराबर साइन एक्स प्लस सी। बच्चे मान लो कि मैं अगर यहां पे लेता हूं लेट सी बराबर जीरो, तो मुझे वाई की वैल्यू साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे लू, यहां पे लिख लो जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर एक्स एस प्लस सी, यानी कि मीन इसमें यही है कि सी का क्या क्या होता है, तो इसका ज्योमेट्रिकल इंपोर्टेंस क्या है। तो बच्चे देखो, मान लो कि अब मैं इस सी में सी के वैल्यू में वन ले लूं, तो मुझे वाई बराबर क्या मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस वन। मान लो कि मैं सी बराबर टू ले लूं, ठीक है, तो मुझे वाई बराबर क्या मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस टू। मान लो कि सी बराबर क्या ले लूं, माइनस टू, तो वाई बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, साइन एक्स माइनस टू, सॉरी। तो बच्चे अब देखो, मान लो कि अब मैं इनको अगर लाइन पे दिखाऊं, इनको अगर ग्राफ पे मैं दिखाऊं, ग्राफ पे दिखाऊं, तो देखो तो थोड़ा मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, ये मान लो वन, ये टू, ये माइनस वन, ये माइनस टू। तो बच्चे आप देखो, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है ना, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है बच्चा, ये होता है, होता है ना। चलो मान लो कि मैं कुछ यहां दूरी दे दूं, ये वन यहां ले लो, वन यहां, टू यहां, वन टू यहां। तो बच्चे आप देखो, मान लो कि देखो ना, देखो तो आपने जब यहां से ग्राफ खींचना चालू किया, तो ये आपका खाली वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। ऐसे मान लो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, वाई बराबर साइन एक्स प्लस वन का है, यहां क्या दिखा रहा है, प्लस वन ना, यानी कि वाई पे आपको एक एक्स्ट्रा लेना है, यानी यहां से मुझे एक या प्लस करना है, यानी साइन एक्स, ये था तुम्हारा साइन एक्स का, ये प्लस वन, यानी यहां से जब खींचेंगे तो मुझे ऐसे मिलेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई बराबर साइन एक्स प्लस वन। आप इसको समझ पा रहे हो? देखो मान लो कि अब मुझे अगर इसका ग्राफ खींचना है, साइन एक्स प्लस टू, साइन एक्स प्लस टू यहां पर, मान लो ऐसे है ना, तो साइन एक्स प्लस टू। मान लो बच्चे कि मुझे अब इसका ग्राफ खींचना है साइन एक्स माइनस टू का, माइनस टू यहां पर है, वाई बराबर साइन एक्स माइनस टू। तो बच्चे आप यहां खुद देखो, आप यहां क्या पा रहे हो, आप यहां पा रहे हो कि यह जो साइन एक्स प्लस सी है, यह एक कर्व नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व है। यानी कि यह जो साइन एक्स प्लस सी में जो सी का महत्व क्या है कि आप जब इसको अलग अलग चेंज करोगे तो आपको अलग अलग यह कर्व साइन एक्स प्लस टू, साइन एक्स प्लस थ्री, साइन एक्स प्लस फाइव, साइन एक्स प्लस टेन के रूप में मिलेगा। और जब हम इनको ज्योमेट्रिक फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो मुझे ऐसे फैमिली ऑफ कर्व ग्राफ के फॉर्म में मुझे मिलेगा। तो यानी कि यहां से क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट कौन सा, यह साइन एक्स प्लस थ्री, इट रिप्रेजेंट यानी कि साइन, भाई लिख लो साइन एक्स प्लस थ्री, है ना, क्या है, तो फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व ऑन ग्राफ। यानी कि यह जो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स की जो वैल्यू है साइन एक्स प्लस थ्री, यह क्या कर रहा है, तो ऐसे फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें यह था सी का इंपॉर्टेंस। आई थिंक यह आपको समझ में आया होगा, और प्लीज अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटीग्रेशन के नए नए रूल, नए नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जिंदाबाद।